बैक टू माय चैनल सुनीता क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एप्पल पाई की रेसिपी लेकर आए हैं, तो फिर इसे बनाना शुरू। पाई बनाने के लिए सबसे पहले हम एप्पल लेंगे। यहाँ हम 4 एप्पल लिए हैं बड़े बड़े। इसे हम पहले छिलका उतार लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए हम यहाँ सेब को इस तरीके से छील लिए हैं। अब इसे हम छोटा छोटा पीस में कट कर लेते हैं। इसे हम छोटे छोटे पीसेज में इस तरीके से कट कर लेते हैं। यहाँ देखिए हम एप्पल को इस तरीके से बारीक कट कर लिए हैं। इसे हम भून लेते हैं। भूनने के लिए हम कढ़ाही लेंगे। कढ़ाही में घी डाल देते हैं। अब घी हमारा मेल्ट हो चुका है, इसमें कटा हुआ एप्पल डाल देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं। अब हमारा एप्पल थोड़ा पक गया है। इसमें हम सिनेमन पाउडर 1/2 टेबल स्पून डालते हैं। अब इसमें हम नींबू थोड़ा सा डाल देते हैं। फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब इसमें कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर देते हैं। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब तक हम इसका डो तैयार। अब हम 1 कप मैदा लेंगे। अब इसमें हम घी डाल देते हैं 4 टेबल स्पून। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका डो तैयार कर लेना है। हमारा डो तैयार है। अब इस तरीके से हम इसे लोइया बनाएंगे और इसे रोटी की तरह बेल लेते हैं। थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरीके से हम रोटी की तरह हम बेलते हैं। तरीके का हम थाली लेंगे और थाली में हम थोड़ा सा इसमें घी लगा देते हैं चारों तरफ। अब इसमें हम इसे डाल देते हैं इस तरीके से। हमें इसे हम देखिए सेट कर लिए हैं बर्तन में इस तरीके से। अब इसमें हम कर देते हैं। हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो गया है, इसमें इसे हम डाल देते हैं। अब हम दूसरी पूरी को भी बेल लेते हैं। लोइए को इस तरीके का रोटी फिर से बेल चुके हैं। अब इसे हम इस तरीके से कट करते हैं। हम इस तरीके से लगाते जाते हैं। देखिए इस तरीके से हम लगा दिए हैं एक तरफ से। अब दूसरी ओर से भी हमें लगाना है। तब तक हम दूसरा रोटी को बेल लेते हैं। अब एक ओर से हम देखिए इस तरीके से यहाँ ऊपर की ओर से यहाँ इसे अंदर की ओर से लिए हैं। इसे ऊपर की ओर से
फिर एक हम इस तरीके से अंदर की ओर से लेंगे, इस तरीके से, फिर एक ऊपर, फिर एक अंदर की ओर, इस तरीके से हमें बनाकर तैयार कर लेना है। इस तरीके से जो है बनाकर सारा हम एक अंदर से, एक ऊपर से, फिर एक अंदर, इस तरीके से हमें बना लेना है। देख सकते हैं यहाँ, देखिए इस तरीके से हमें ऊपर से, हमें इस तरीके से हमें लगाना है इसके ऊपर। तरीके से चारों तरफ हमें चिपका देना। अब देखिए साइड से जो है एक्स्ट्रा हमें इस तरीके से निकाल देना है। इस तरीके से देखिए हमें चारों तरफ से निकाल देना है। हमारा देखिए एप्पल पाई बनने के लिए तैयार है बेक करने के लिए। अब इसे हम बेक करेंगे, इसे हम बिना ओवन का बेक कर रहे हैं। इसके लिए हम कुकर लिए हैं, कुकर में हम नमक लगभग 2 कप डाले हैं। इसे हम पहले प्री हीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे डालेंगे। हमारा प्री हीट हो गया है, इसे हम इसमें डाल दिए हैं कुकर में। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी लगा देते हैं इस तरीके से। देखिए कुकर का सीटी निकाल लिए हैं। देखिए यह एप्पल पाई बेक हो गया है, लगभग 45 मिनट हो गया है। अगर आपको लगे कि यह बेक नहीं हुआ है तो थोड़ा और इसे बेक कर सकते हैं। तो हमारा लगभग यह बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ किनारे किनारे ब्राउन हो गया है। अब ठंडा होने के बाद इसे हम निकाल, हमारा देखिए एप्पल पाई बिल्कुल बेक हो चुका है। अब इसे हम इस तरीके का देखिए बेक होने के बाद दिख रहा है, इसे हम इसे प्लेट में रख लेते हैं। आप भी इसी तरीके से एप्पल पाई की रेसिपी बनाएं और खाएं। मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।